मैं चार साल गुवाहे काम किया, शायद तुम मैं जानते जो नहीं जानते, चार साल उत मैं बड़ा लोगों टिकट खपाया भी है, बड़े लोग किस्मत से, लेकिन जब भाई साहब मिले मैं पता चलिया कि नहीं लोग जिंदा भी है। आमीन, हालेलुया। सिर्फ दो पहलू सुनने या पांच मिनट ज्यादा बोलेंगे हमें भी पता है किस तरह के लोग। हालेलुया। इस टिकट शादी पर जो पहला टिकट पहलू है वो ये हुआ कि वहां पर दस्तूर था कि सिरा में तीन टिकट लटके मैके क्या कर रहे हैं बनाने हैं। ठीक है, क्या बनाने हैं? तीन लटके मैके क्या कर रहे हैं बनाने हैं। अगर तीन से चार हो गए तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, जुर्माना कर देगी। और यही सिलसिला पाकिस्तान में भी चला। ठीक है, वन भी शौकी तो फिर सिलसिला क्या होगा, लोगों का वन भी उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, और फिर एक टाइम तो टिकट ऐसा भी देखा जिसमें डब्बे चले, टिकट जिसमें केक था, टिकट पेस्ट्री थी, जूस थे, और ये सिलसिला चला। लेकिन यहाँ पर जो दस्तूर था उस टिकट दस्तूर के मुताबिक क्या हुआ, तीन टिकट मटके और वो क्या हो गए, कम पड़ गए। अगर बाहर से मैं आती तो वो क्या पड़ जाना था, जुर्माना पड़ जाना था। ठीक है, क्या पड़ जाना था जी? ठीक है, क्या पड़ जाना था? जुर्माना पड़ जाना, जुर्माना पड़ जाना था। अब देखिए यीशु मसीह की माँ की ठीक है रिक्वेस्ट क्या थी कि बाहर से मैं ना आए और तू कुछ कर। तो ठीक है, यीशु मसीह ने पहले ठीक है सोचा, माँ से गुफ्तगू की और फिर ठीक है ये कहा कि मैं ठीक है कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर अपने शिक्षकों को क्या कहा कि जो मटके खाली हो गए इसी को क्या करते, पानी से क्या करते। अब ना दस्तूर खराब हुआ, ना कोई जुर्माना पड़ा, ना गवर्नमेंट को पता चला, और वहां पर ऐसा मौसम हुआ कि लोग हैरान और परेशान हो गए। और जब ठीक है लोगों ने मैं भी वो जो ठीक है लोगों ने ठीक है पानी डाला, ठीक है वो लोग भी ठीक है परेशान हो गए जब उन्होंने ठीक है ये लोगों से सुना कि जो पहले बुलाई है वो क्या है, नाकस है, लेकिन जो अब है वो क्या है, फंटेस्टिक ड्रिंक है। तो यहां पर मौसा हुआ, वजह क्या है, यीशु मसीह दस्तूर से हट कर क्या करता है, काम करता है। समटाइम हम अपने दस्तूरों में काम करते हैं, खानदानों में काम करते हैं, लेकिन मसीह की इलाही कुदरत हमें क्या चाहती है कि हम कलाम के मुताबिक अपनी शादियों के सिलसिले को भी क्या करें, बरकरार रखें। तो दस्तूर एक साइड पे है लेकिन कलाम की सच्चाई एक साइड पे है। दस्तूरों से मौजा नहीं होता, लेकिन जब कलाम के मुताबिक हम ठीक है मसीह की बातें सुनते हैं तो फिर शादियों में, खुशियों में ठीक है क्या हो जाता है, मौजा हो जाता है। और फिर जो ठीक है चीजें भी कम हो जाती है वो दस्तूर से कभी भी बढ़ती नहीं, वो मसीह के नाम से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मसीह जब भी जहां भी जाता वहां पर मौसा होता। और एक मौसा ऐसा भी है कि एक छोटा बच्चा क्या लेके है, पांच रोटियां और दो मछलियां। अच्छा, मेकअप वाली आवाज नहीं जी, क्या पांच रोटियां और दो मछलियां? अच्छा, साड़ी बरादरी मेकअप है जो उच्चा बोल रही है, वजह भला की तुसी चेक कर लेना, जिंदगी कलाम खत्म हो गए ना, वाजा चेक कर लेना, लेकिन ठीक है होर नहीं बोलेंगे। आमीन, आमीन। तो मैं क्या कह रहा कि वहां पर एक बच्चा क्या लेके आया, पांच रोटियां और दो मछलियां, मछलियां लेके आई। वो दस्तूर से हटकर शिकायत क्या कर रहे थे, हम खाना खिला नहीं सकते, लेकिन वहां पर दस्तूर से हटकर क्या हुआ, यीशु मसीह ने वो ठीक है रोटियों को आसमान की जानिब उठाया और फिर क्या हो गया, वहां पर बरकत शामिल हो गई। बच्चे में टोकरे कितने थे और खाया कितने, पांच। तो क्या चाहिए, दोनों शादियों में, बेटे के खानदान में और बेटी के खानदान में जिसमें मैं भी शामिल हूं, तो क्या चीज है, हम पहला जो पहलू है वो क्या है कि किसी चीज की कमी तब नहीं आएगी जब शादी कलाम के मुताबिक। आमीन,
तो इसलिए इसको कलाम के मुताबिक गुजारना है और फिर खुदा की बरकत को देखेगा कि किस तरह खुदा अपनी इलाही बरकत बढ़ाकर इस शादी को क्या करता है, कामयाब करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं अक्सर आखिरी काल मैं अक्सर कहना कि मसीही लोग खुशियां बना लेंगे, डीजे वाले बुला लेंगे, लेकिन अपने पादरियां नहीं कहेंगे कि फैमिली ना लाना। बहुत मुश्किल होता है, सारी चीजा कर लेंगे लेकिन यसु ते खुदा नु कभी भी नहीं कहेंगे कि यसु पहला दावतनामा किनु है तेनु है ना, तू आके की कर बरकत की कर शामिल कर। हालेलुया। तो दोनों खानदान जो टीका जुड़ने में है, आज जो टीका दिन रखने वाले हैं, तो इस दिन में इसलिए दुआ कर रहे हैं कि यसु इन दिनों में अपनी इलाही बरकत को क्या करे, शामिल करे। आए दुआ करते हैं दिनों से पहले हम सारी चीजों को खुदावन की कवरिंग में देते हैं, जो कुछ भी हो, जो कुछ प्लान हो, ठीक है, बेटी की तरफ से, बेटे की, ठीक है, खानदान की तरफ से, तो उसमें खुदा की डिवाइन फेवर हो। और जो कुछ भी मामला हो, हम ये ना कहे साढ़े खानदान चेंज होगा, हम कहे हमारी बाइबल में ये होता है। क्या चीज है? हमारी बाइबल में ये होता है। जब ये कहते हमारी बाइबल में ये होता है, तो फिर शादियों में लड़ाई झगड़े नहीं होते, ठीक है। आमीन। आए दुआ करते हैं और हम इस दिनों से पहले हम दुआ करते हैं कि खुदा सारी चीजों में अपनी इलाही बरकत को शामिल करे। थैंक यू जीसस। खुदा मैं यीशु मसीह के नाम में पाक खुदा शुक्र गुजारी करते हैं आज तो खानदान के लिए जो बैठने को है, और दिन जो आज पाक खुदा खुदा शादी के रखने वाले हैं उस दिन पर, और अभी जो फैसले हो पाक खुदा उसमें तेरी डिवाइन फेवर शामिल हो और कलाम के मुताबिक फैसले हो और तेरा नाम इज्जत को जमा करें। आज की सारी जमात के लिए, सारे पर्पस के लिए अभी से शुक्र गुजारी करते हैं। अपने लोग को छूना, ब्लेस करना और बड़ी बरकत देना ताकि तेरे नाम को जलाल मिले। यीशु के नाम से मांगते और खुदा नाम से मांगते हैं, जिस तरह खुदा ने हम सबको सिखाया है। ऐ हमारे बाप सबको मिलकर, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में ना आ बल्कि भलाई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल इस सारी जमात के साथ, खुदा की कौम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटी, खुदा पाप। मत उड़ी है सदा, कौन जिसने फराउन
तेरे या हो